अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स। ललितपुर जिले की थाना नाराहट के अंतर्गत अद्भुत विहंगम झरनों में से एक विंध्याचल पर्वत पर स्थित कनकदर जलप्रपात पर बीते दिन दोपहर के समय कस्बा मड़ौरा निवासी सोमिल जैन पुत्र राकेश जैन डोंगरा बाली का पुत्र अपने लगभग 9-10 साथियों के साथ घूमने पिकनिक मनाने के लिए कनकदर जलप्रपात पर गया हुआ था। झरने पर नहाते समय युवक अपने साथियों के साथ सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया, जिसके चलते वह झरने के नीचे जलकुंड में डूब गया। साथियों द्वारा उसे काफ़ी खोजा गया, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। साथियों द्वारा इसकी सूचना सोमिल के परिजनों को दी गई। परिजनों के द्वारा थाना नाराहट में सूचना दर्ज कराई, जिसकी गंभीरता को लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों व गोताखोरों की मदद से उक्त जलकुंड में युवक की तलाश के दौरान 24 घंटे बीत गए हैं। नाराहट पुलिस द्वारा गोताखोरों तथा मछुआरों की मदद से शव बरामद किया गया। युवक के परिजनों में मचा कोहराम। ललितपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।